To begin with, I would request Honorable MS Shri Mittal to welcome our MR Nidhi Bukki. I request Honorable MS to welcome our Minister of State for Railways, Shri Gohil. I would request Honorable MR to kindly address the gathering. हमारे रेल सम्मान रेल राज्य मंत्री मेरे मित्र सम्मान राजन गोयल जी, मेंबर्स रेलवे बोर्ड, सभी रेल के संबंधित सभी अधिकारीगण और हमारे हमेशा साथ करने वाले मीडिया भाई बहन और सभी सम्माननीय अतिथिगण, रेल की पूरी व्यवस्था एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने रेल में की है। इसलिए उसके अलग अलग बिंदु रहेंगे, अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक के तहत ये पूरी योजना कार्यान्वित की जाएगी। पूरी योजना कार्यान्वित होने के बाद रेल की पूरी व्यवस्था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मैनेज हो पाएगी। अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में रहने वाले काम सभी इसी व्यवस्था के द्वारा संचालित भी किए जा सकते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण भी रखा जा सकता है। ऐसी पूरी व्यवस्था करने के लिए जो अलग अलग काम हो रहे हैं, इसमें से ये काम है कि रेल क्लाउड आज लॉन्चिंग किया जा रहा है और हमें पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक कुछ समय से काफी प्रचलित व्यवस्था बन गई है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत ही जल्द करीबन सबसे अहम काम इसी व्यवस्था के तहत किए जाएंगे, तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग यदि होना ही है तो उसमें रेल क्लाउड अपना खुद का, जिसमें हमारी पूरी व्यवस्था उसके ऊपर उससे कार्यान्वित की जा सकती है, ऐसे कार्यक्रम की आज शुरुआत की जा रही है। इसलिए मैं सभी मेरे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस व्यवस्था को जल्द से जल्द कार्यान्वित करने के लिए काम शुरुआत की और रेलटेल जो रेलवे के ही एक संबंधित कंपनी है, जो अलग अलग राज्य सरकारों के साथ, अलग आस्थापनों के साथ भी काम करती है लेकिन रेल का भी काम करती है, ऐसी संस्था ने भी उसको कार्यान्वित करने को तय किया है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP हम लोग करेंगे, ऐसा हमने पिछले बजट में कहा था और उसी के तहत जो मैंने कहा कि पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म करने के लिए जो व्यवस्था खड़ी की जा रही है, वो व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाएगी जब तक हमारे पास क्लाउड के द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था का नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेल की जो काम कर कितनी जो व्याप्ति है काम की वो इतनी बड़ी है, इसीलिए कितने भी आप सर्वर लगाएंगे, सर्वर की सेफ्टी करेंगे, सर्वर का मेंटेनेंस करेंगे, हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पे खर्चा और लागत करने की जरूरत होगी। इसमें यही मैं पूछ रहा था क्योंकि रेलटेल से कि करीबन आधे से भी कम जो नॉर्मल कोर्स में निवेश करने की जरूरत पड़ती थी उससे भी कम होगी, और उसका एक एडवांटेज है कि जब चाहे तभी आपको मिल सकती है, जहाँ चाहे वहाँ मिल सकती है, उसके कोई रिलेशनशिप हार्डवेयर के नाते न होने के कारण, क्लाउड में ही आपका पूरा डेटा स्टोर करने के कारण आपको इसका एक बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। तो मैं आज जो शुरुआत की जा रही है ये आज एक सही मायने में शुरुआत है, बहुत लंबा सफर हमें डिजिटल रेल को बनाने में लगना है। आज भी अभी मैं थोड़ा डिले इसलिए हुआ कि हमारा पूरी जो ERP है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान उसके पूरी उसका मैं रिव्यू कर रहा था, इसके लिए थोड़ी हमें यहाँ पे आने के लिए देरी इसी वजह से हुई, मैं और राजन जी हम पूरे उसको रिव्यू कर रहे थे। तो हमें इस बात का आनंद भी है कि आज एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है,
आने वाले दिनों में इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, जैसे कि हमारे मैनेजमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक, हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट, इस तरह से भी अलग अलग व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके भी बहुत बड़ा लाभ। हमारे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जो चेयरमैन थे, अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन, उनका अनुमान है मिनिमम 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा जब वो पूरा काम होगा तो हमें रेल को लाभ होगा। तो इसके लिए कॉस्ट सेविंग से भी और रेवेन्यू बढ़ने से भी, तो इतनी बड़े काम की शुरुआत आज की जा रही है, इसलिए मैं सभी को उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। साथ में उसके ऊपर एक पहला प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है जो आज भी लोगों के सामने एक चुनौती रहती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देश में बढ़ रही है, उसकी वजह से भी हेल्थ केयर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के कारण जो समस्या खड़ी हो जाती है उसको निवारण करने के लिए भी व्यवस्था इस कार्यक्रम के तहत की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये तो बहुत छोटा सा एक उसका हिस्सा रहेगा, बड़ा हिस्सा तो हमारे कोर फंक्शन जो है रेलवे के, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट है, स्टोर्स मैनेजमेंट है, ये सभी चीज़ क्लाउड के थ्रू हम लोग उसको मैनेज करेंगे। तो आज जो उसकी शुरुआत की जा रही है उसके लिए मैं सबको दोबारा बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, और आने वाले दिनों में हम यशस्वी व्यवस्था को बढ़ाते रहेंगे उसके लिए सबके शुभकामना भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I now request Honorable Amar to kindly launch the Rail Cloud.